हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। सो गाइस, आज के वीडियो हम बताने वाले इस टाइप का जो 3D वीडियो एडिटिंग है, आप भी इस टाइप का 3D वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो तो मेरे वीडियो पर एंड तक बने रहे, और साथ ही हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ओके, तो गाइस कॉपीराइट के समय थोड़ा थोड़ा वीडियो को म्यूट कर दे। आप भी इसका फुल वीडियो देखना चाहते हो मैं टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल से वीडियो को पहले पोस्ट कर दे, वहां से आप लोग देख सकते हो। ओके गाइस, इस वीडियो को एडिट करने के लिए आपको एलिट मोशन का जरूरत पड़ेगा। आपके पास प्रो वाला एलिट मोशन है तो मैंने लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर आपको डाउनलोडिंग कर लेना है। और उसके बाद आपको दो प्रेजेंट लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर आपको इनपुट कर लेना है। प्रेजेंट लिंक आपको कैसे इनपुट करना नहीं पता तो ऑलरेडी वो वाला टॉपिक एक वीडियो बनाकर रख लिया, वो वाला वीडियो आप देख सकते हो। तो चलो बिना डरे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले आपको क्या करना है, एलिट मोशन ओपन कर लेना। उसके बाद आपको क्या करना है, ऐसे आपको प्रेजेंट में आ जाना है। ओके, आपको दो प्रेजेंट आपको इनपुट कर लेना है। ऐसे आएगा पहले देखो ये वाला और ये वाला, आपको दो जो मिल जाएगा प्रेसेट आपको इनपुट कर लेना है। ओके, पहले आपको क्या करना है, रील कलर पर चले आना है। यहाँ से आपको क्या करना है, सिंपली आपको सेलेक्ट ऑल कर लेना है। ओके, यहाँ से ऑल करके आपको कॉपी जो 11 लेयर कर लेना है। ओके, ये वाला आपको कॉपी कर लेना है। ओके, उसके बाद आपको बैक आ जाना है। ये वाला प्रोजेक्ट का काम खत्म हो गया, उसके बाद आपको फुल प्रोजेक्ट में आ जाना है। ओके, यहाँ आने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ टच करके ये वाला ऑप्शन आपको टच करके ओके पेस्ट कर लेना है। ये वाला ऑप्शन जो आपको देख रहे हो पेस्ट कर लेना है। ओके, इतना करने के बाद आपको सब कुछ देखो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आपको कैमरा ऑन कर देख सकते हो, वाला ऑप्शन कैमरा जो है वीडियो का ऑन कर देख सकते हो। सब कुछ यहाँ आ जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ से आपको अपना फोटो चेंज कर लेना है। ओके, इतना ही काम कर लेना, आपका वीडियो बनकर रेडी हो जाएगा। ओके, पहले आपको क्या करना, फोटो चेंज कर लेना, आपको क्या करना पड़ेगा। उसके बाद आपको प्लस में चले आना है, मीडिया में चले आना, और उसके बाद आपको अपना फोल्डर जो आप सेलेक्ट कर लेना है। ओके, उसके बाद आपको फुल स्क्रीन कर लेना है। अब जो भी फोटो देना चाहते हो दे सकते हो। तो आपको डिमो दिखाने के लिए कोई भी हम फोटो ऐड कर लेते हैं, ये वाला फोटो हम ऐड कर लेते हैं। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, ऐसे आपको लास्ट तक चले आना है, ऐसे आपको लास्ट तक चले आना है। ये वाला ऑप्शन जो आपको टच कर लेना है। ओके, उससे आपको क्या आना है, जो भी फोटो आप चेंज करना चाहते हो उस फोटो के पास के आपको ले जाना है। ये वाला जो येलो कलर ड्रेस है, ये लड़की को हम चेंज करेंगे, उससे आपको ये वाला टच करके मूव अटैचमेंट चले आना है और जेड ऑप्शन आ जाना है। उसके बाद आपको एक्स वाई पर जेड ऑप्शन चले आना है और ऐसे आपको ऊपर में कर लेना है, ऊपर में ऐसे स्लाइस कर लेना है। ओके, देखो वो आ रहा है, आ गया। उसके पीछे थोड़ा देंगे, ओके, ज़्यादा चला गया, थोड़ा पीछे देंगे। ओके, थोड़ा आपको पीछे देखना है। उसके बाद वाई जेड पर आपको टच करके ऐसे एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जूम वाला ऑप्शन टच करके आपको ऐसे जूम कर लेना है। जो वीडियो फोटो जो रोटेट था अब सही हो गया, देखो पहले वाला फोटो जितना बराबर था आपको इतना ही रख लेना है। ये वाला ऑप्शन टच करके आपको ऐसे आपको पीछे रख लेना है अच्छे से। ओके, उसके बाद आपको क्या करना, पहले वाला फोटो जो था आपको ये वाला डिलीट करना है सिंपली। ओके, देखो फोटो लग गया। ऐसे करके आपको सारे फोटो, आपको जो जितना फोटो यहाँ पर लगाए, 5-6 फोटो लगाए, सारे फोटो आपको चेंज कर लेना। और भी एक तरीका है फोटो चेंज करना, बहुत ईजी है, आपको बताने वाला हूँ। देखो ऐसे आपको आगे चले आना है, कहाँ पर आपको कौन सा फोटो आप चेंज करना चाहते हो वो वाला फोटो पर आपको आ जाना है। ये वाला देखो बस का हम चेंज करें, ये वाला फोटो ये वाला है, आपको देख कर ऐसे आप कलरफुल में चले जाना है, यहाँ पर चले जाना है। ओके, यहाँ से हम एक बॉयस का फोटो हम ऐड कर लेते हैं। तो चलो ये वाला पीपल वाला फोटो हम ऐड कर लेते हैं। ओके, ऐसे आपको सिंपली ऐड कर लेना, देखो ऐड हो गया। उसके बाद आपको क्या करना, थोड़ा कुछ आपको एडजस्ट करना है तो एडिट सब पर आ जाना है। देखो ये छोटा हो रहा है, आपको थोड़ा चौड़ा करना है। ओके, देखो उसके बाद आपको ये वाला भी आप देखो ऐसे आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ओके, उसके बाद आपको क्या करना, मूव ट्रांसपोर्ट जाकर आपको इधर उधर भी आप जहाँ रखना चाहते हो रख सकते हो अपने हिसाब से। ओके, इतना करने बाद आपको सारे को जितना भी यहाँ पर आपको फोटो है सारा फोटो आपको चेंज कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ जाकर आपको वीडियो का रेशियो आप चेंज कर सकते हो। आप फुल HD में करना चाहते हो HD में कर सकते हो, लाइव कलर में करना चाहते हो, जितना रेशियो में आप बनाना चाहते हो बना सकते हो। मैं तो फुल HD में रखूँगा, उसके बाद आपको वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। ओके,
सो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देना है और सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो पर प्यारा सा कमेंट कर देना है। तो ठीक है, मिलते हैं ऐसे ही न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।